2021 में वीवो ने अपने फ्लैगशिप फोन वीवो X70 सीरीज को अनाउंस किया था, जिसमें तीन फोन लॉन्च किया गया था, वीवो X70, X70 Pro और X70 Pro Plus। तो वीवो X70 Pro Plus वीवो X70 सीरीज की टॉप एंड फोन है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन 880 Plus के प्रोसेसर दिया गया है, और साथ ही कैमरा डिपार्टमेंट में भी टॉप स्पॉट बना लिया था अपने वीवो V1 चिप के साथ, जो कि कैमरा के एडवांस प्रोसेसिंग के लिए लगाया गया है। और अब 2022 में वीवो अपने X70 सीरीज की सक्सेसर वीवो X80 सीरीज की फ़ोन जल्द ही इंडिया में लेकर आने वाला है, और वीवो X80 सीरीज में से वीवो X80 फ़ोन की कुछ लीक्ड स्पेसिफिकेशन भी आनी शुरू हो चुकी है, जो कि डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से लीक किया गया है। तो वीवो X80 सीरीज में हमें वीवो X70 सीरीज की तरह तीन फोन देखने को मिलेगा, वीवो X80, वीवो X80 Pro और वीवो X80 Pro Plus। पर आज हम इस वीडियो में वीवो X80 के बारे में बात करेंगे, जो कि वीवो X80 सीरीज की अफोर्डेबल फोन होगी। पर उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है क्रिस और आप देख रहे हो टेकमेंटिक चैनल। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करने ना भूलिएगा। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो वीवो X80 फ़ोन पे एक पंच होल डिज़ाइन डिस्प्ले होगी और स्लिम बेजल के साथ आएगी, और साथ ही डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल होगी, और डिस्प्ले साइज इस फ़ोन की 6.78 इंच की होगी, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल की फुल HD प्लस E5 AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगी, और साथ ही 120 हर्ट्ज की स्मूथ रिफ्रेश रेट के पैनल दिया जाएगा। परफॉर्मेंस के मामले में वीवो X80 फ़ोन की हमें पहले भी लीक्स देखने को मिल चुकी है, जिसमें बताया गया था कि वीवो X80 में MediaTek Dimensity 8100 की चिपसेट लगाया जाएगा, पर अब लेटेस्ट लीक्स के हिसाब से वीवो X80 पे MediaTek Dimensity 9000 की चिपसेट लगाया जाएगा, जो कि Dimensity 8100 के कंपैरिजन पे ज़्यादा पावर पैक चिपसेट है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है, जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से बस कुछ मामले में पीछे है। बाकी ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए वीवो X80 पे माली G710 की GPU लगाई जाएगी, जो कि गेमिंग करते वक्त या फिर वीडियो एडिटिंग करते वक्त फास्ट रेंडर और स्मूथ रन करने के काम आती है। और साथ ही गेमिंग के लिए वीवो X80 में एक स्पेशल फीचर की सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे कि पॉपुलर गेम जैसे ग्लोरी ऑफ किंग्स जैसे गेम्स 120 FPS तक बड़ी आराम से रन कर लेता है। और फोन को कूल रखने के लिए इस फोन में एक बड़ी 4000 mm² की एक हीट चैम्बर दिया जाएगा, जो कि फोन की टेम्परेचर ज्यादा हाई होने नहीं देता। और अदर फीचर जैसे हैप्टिक वाइब्रेशन के लिए इस फोन में एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी लगाया जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस फोन में एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसपे वीवो की अपनी फन टच OS की स्किन मिलेगा। और वीवो X80 फोन हमें दो वेरियंट में देखने को मिलेगा, 8GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज और 12GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज। अच्छी बात यह है कि इस फोन पे न्यू LPDDR5 की रैम लगी होगी, पर एक्सपेंडेबल SD कार्ड की ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। और अब कैमरा की बात करें तो वीवो X80 पे ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा, जिसमें प्राइमरी लेंस 50 MP की होगी, जिसमें सैमसंग की GN5 की सेंसर लगी होगी, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल कैमरा है। साथ ही 13 MP की सेकेंडरी कैमरा लेंस दिया जाएगा, और 12 MP का कैमरा भी होगा, जिसमें सोनी IMX663 के सेंसर लगाया जाएगा, जो कि एक डिसेंट परफॉर्म सेंसर है। और सामने की तरफ एक 44 MP की सेल्फी शूटर दिया जाएगा, और बैटरी साइज इस फोन की 4500 mAh की लगाई जाएगी, जो कि एक दिन तक आराम से स्क्रीन ऑन टाइम दे देगी। और हैवी यूसेज जैसे गेम्स वीडियो रेंडरिंग में लगभग 6 से 7 आवर्स तक साथ दे देगी। और चार्जिंग के लिए इस फोन में 80 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, और अच्छी बात यह है कि चार्जर फोन के साथ ही दिया जाएगा, आपको अलग से चार्जर लेने की जरूरत नहीं होगी। और फोन की मोटाई 8.3 mm की देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी में सारी कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे 5G, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 और Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा, और सारा सेंसर्स भी दिया जाएगा, जैसे जायरो, अप्रोक्सीमिटी, कंपास, एम्बियंट और भी बहुत सारे सेंसर्स लगाई जाएगी। तो फाइनली अब प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करें तो वीवो X80 की लॉन्च डेट और प्राइस की कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है, पर जल्द ही
लॉन्च डेट और प्राइस की न्यूज जल्द ही आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको Vivo X80 की लीक्स कैसे लगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करने ना भूलिएगा। तो अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।